हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शुभम अरोड़ा व्लॉग्स। मेरा नाम है शुभम अरोड़ा और ये जो वीडियो है ये मेरा पहला इंटरैक्टिव वीडियो होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव है बहुत ज़्यादा। इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे आप एक लाइन, एक करियर अपने लिए चूज कर सकते हैं, कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए या फिर आपको आगे पैसे ज़्यादा किस तरीके से कमाने चाहिए अपने जॉब के लिए। तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक इंडस्ट्री के बारे में जिसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी एज अ फ्रेशर आप 25,000 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं, 25,000 रुपए पर मंथ, 25,000। सो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, लाइक शेयर कमेंट फॉलो सब्सक्राइब सब करना, बिकॉज ये एक सीरीज स्टार्ट हुई है, जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है, इसमें आपको इसी फील्ड के बारे में इस इंफॉर्मेशन पूरी जो होगी, ये फील्ड की इंफॉर्मेशन वो आपको पूरे एक एक वीडियो में मिलेगी। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इस इंडस्ट्री का नाम है यूएस रिक्रूटमेंट। आप लोगों ने रिक्रूटमेंट के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, जो एचआर बैकग्राउंड से होंगे उन्होंने ये भी सोचा होगा कि इस इंडस्ट्री में इतना पैसा नहीं है। बट मैं डोमेस्टिक स्टाफिंग की या डोमेस्टिक रिक्रूटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस रिक्रूटमेंट। यूएस रिक्रूटमेंट लोग सोच रहे होंगे यहां से बैठे बैठे कैसे हो जाएगी, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई अप्लाई करना पड़ेगा, वीजा लगेगा, कुछ होगा। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप यहां से बैठ के, इसको बोलते हैं ऑफशोर रिक्रूटिंग। इस ऑफशोर रिक्रूटिंग के बारे में आगे जानने के लिए मैं आप लोगों को, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ा और डिटेल बताता हूं इसके बारे में। बेसिकली ऐसी अप्रोक्स, अगर मैं सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो यहां पे 3,000 से ऊपर कंपनीज है, मोर देन 3,000 इन दिल्ली एनसीआर ओनली। उसके अलावा जो मेजर हब है इसके, मुंबई, पुणे, बड़ौदा गुजरात में, चंडीगढ़, अब तो मोहाली में, देहरादून, आगरा, इनफैक्ट और छोटी छोटी रिमोट एरियाज में भी आपके ये रिक्रूटमेंट कंपनीज खूब ओपन हो चुकी हैं और स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये वीडियो अगर जो फ्रेशर्स देख रहे हैं उनके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, या फिर आप कहीं जॉब करते हैं या कुछ और करते हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं जो फ्रेशर्स हैं जिनको जॉब चाहिए, उनके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है। आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, कजिन्स, कोई भी हो, उनको ये वीडियो जरूर भेजना, किसी का मे भी भला हो जाए जो जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो और उनको जॉब ना मिली हो अभी तक। तो इंडस्ट्री वाइज इसमें ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं होता कि आपको बीटेक चाहिए, बीसीए चाहिए, एमसीए चाहिए। अगर आप ट्वेल्थ भी पास आउट हैं, अगर आपके पास ग्रेजुएशन भी नहीं है, कुछ कंपनीज, ध्यान रखिएगा, कुछ कंपनीज लेती हैं वो कैनेट भी, बट हर कंपनी नहीं लेती। उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कोई भी ग्रेजुएशन होती है, कोई भी डिग्री डिप्लोमा चाहिए उसके लिए। और इसके अलावा इसके अंदर आपको इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, सो योर कॉम स्किल्स शुड बी गुड। अगर वो अच्छे नहीं है तो सॉरी, कुछ नहीं हो पाएगा। बट उसमें, उसके अलावा भी एक ऑप्शन उसमें आता है, रिक्रूटमेंट में नहीं है वो, सोर्सिंग में है इसी इंडस्ट्री में, उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा आगे के वीडियोस में, आगे के ब्लॉग्स में। तो उसके लिए आपको लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर नोटिफाई कर दीजिएगा, बिकॉज मेरे पास खुद ज्यादा टाइम नहीं होता कि मैं वीडियोज रोज रोज डाल पाऊं। ये वीडियो आज एक फ्री डे था, तो सॉर्ट ऑफ वीकेंड पे मैंने सोचा आप लोगों के लिए अपलोड करूं, और इसी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि आप जब इसको फॉलो करेंगे तो आपको बेल आइकन फॉलो करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कब मेरी अगली वीडियो आ रही है और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। तो सबसे बड़ी बात, एज आई सेड, इस इंडस्ट्री में आपको बेयर मिनिमम फ्रेशर्स को 25,000 सैलरी मिल जाती है। अगर आप में से किसी को भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन या पर्सनल कोचिंग की जरूरत है तो यू कैन रीच मी ऑन माई ईमेल आईडी, व्हिच आई एम गोना पुट इन द लास्ट ऑफ इन द लास्ट पॉसिबली, वो बात की बात है। बट अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। ये वीडियो की सीरीज अप्रोक्सीमेटली ये जाएगी 10 या 15 वीडियोज में जो कि आप इसमें देखेंगे, इस पूरे इंडस्ट्री के बारे में, इस पूरे यूएस स्टाफिंग के बारे में आपको मैं बताऊंगा। मेरे को खुद 11 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, तो ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है या मैंने बस ऐसे ही ऑल ऑफ अ सडन सोचा कि वीडियो बनाते हैं, हर कोई यूट्यूबर बन रहा है तो मैं भी बन जाऊं। बट इट्स जस्ट दिस, ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड इसी इंडस्ट्री का है और आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो वैलिड होगी। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ भी झूठ होगा या उसके अंदर कुछ ऐसा होगा जो आप लोगों के काम की नहीं है।
ये इंडस्ट्री में आप जाएं ना जाएं वो आपकी आपके ऊपर है, बट नॉलेज शेयर करना मेरा काम है। एक और चीज इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, सो दैट आपका इंटरेस्ट उसके अंदर आए आगे या नहीं आए वो आपके ऊपर है। हर इंसान का कुछ ना कुछ मोटिवेशन होता है। इस इंडस्ट्री में, इस पर्टिकुलर यूएस स्टाफिंग इंडस्ट्री में, सिर्फ एक सैलरी नहीं है जो लोगों को मोटिवेट करती है, इंसेंटिव्स होते हैं जो सबसे ज्यादा मोटिवेट करते हैं। मेरे कई फ्रेंड्स या मैं खुद, जब मैं खुद एक रिक्रूटर था, अभी तो मैं रिक्रूटमेंट से ऊपर आ चुका हूं, जब मैं खुद, मैं टीम मैनेजर था, तो जब मैं खुद रिक्रूटर था तो मैं भी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख 2 लाख इंसेंटिव पर मंथ उठाता। इवन आई वॉज हैविंग 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो ऐसी कई कंपनीज हैं जिनकी इंसेंटिव स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इस वजह से लोग रादर देन सैलरी दे फोकस ऑन इंसेंटिव पार्ट। उस इंसेंटिव स्ट्रक्चर का भी, कमीशन स्ट्रक्चर जो होता है, वो भी मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। सो उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा वेट करना पड़ेगा। भूलना मत लाइक, कमेंट, शेयर। अगर कमेंट्स में आपको कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिकली, आप वो पूछ सकते हैं, मैं उसके बाद वो क्वेश्चन भी आपके आंसर करूंगा, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स जरूर देखूंगा। ऑब्वियसली बात है, मैं अभी, मेरे पास ये जो मैं वीडियो कर रहा हूँ स्टार्टिंग है, तो जो भी लोग कमेंट करेंगे उनके आंसर डेफिनेटली आएंगे। सिंपल सी बात है, इतना कोई मेरा फॉलोअर अभी होगा नहीं जो कमेंट से भर जाए और आपके कमेंट खो जाए। सो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, और उसके बाद उन्हीं कमेंट्स का मैं स्पेसिफिकली आंसर आपको जरूर दूंगा। अदर देन दैट, बेल आइकन को प्रेस करना और सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज उसके बिना आपको पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो कब आई। थैंक यू सो मच, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। माई नेम इज शुभम अरोड़ा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग शुभम अरोड़ा ब्लॉग्स।